तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे WWE के डीमन केन एंड WWE NXT के भीम सौरव गुर्जर के बीच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सौरव गुर्जर का जन्म 5 जून 1984 को डाबरा ग्वालियर इंडिया में हुआ था। ये पेशे से एक इंडियन प्रोफेशनल रेसलर, एक्टर और स्पोर्ट्समैन भी हैं। इन्होंने अपना प्रो रेसलिंग डेब्यू साल 2011 में TNA के इंडिया प्रोजेक्ट रिंग का किंग में किया था, जहां इनका नाम डेडली डंडा था। वहीं दोस्तों द बिग रेड मशीन केन, जिनका रियल नेम ग्लेन थॉमस जेकब्स है, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1967 को टोरेजोन डे अल्डोस स्पेन में हुआ था, पेशे से एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर, ऑथर, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन है, जो कि करंटली नॉक्स कंट्री टेनेसी में मेयर के पद पर काम करते हैं। इन्होंने अपना प्रो रेसलिंग डेब्यू साल 1992 में एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट प्रमोशन में किया था। चलिए दोस्तों अब करते हैं इन दोनों महाबलियों के बीच हाइट और वेट कंपैरिजन। दोस्तों द डेविल्स फेवरेट डीमन केन की हाइट है 7 फीट और इनका वेट है 323 पाउंड्स, जबकि भीम सौरव गुर्जर की हाइट है 6 फीट 8 इंचेस एंड इनका वेट है 300 पाउंड्स। दोस्तों केन ने अपना ऑफिशियल WWE डेब्यू साल 1995 में एक डार्क मैच में किया था, जब कंपनी का नाम WWF था। वहीं सौरव गुर्जर ने अपना WWE डेब्यू किया था साल 2018 के NXT के एक लाइव इवेंट में। दोस्तों केन का विनिंग परसेंटेज है 49%, जबकि सौरव गुर्जर का विनिंग परसेंटेज है 34%। दोस्तों केन वन टाइम ECW वर्ल्ड चैंपियन, वन टाइम WCW टैग टीम चैंपियन, वन टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, वन टाइम WWF चैंपियन, वन टाइम WWF हार्डकोर चैंपियन, टू टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, वन टाइम 24/7 चैंपियन एंड 11 टाइम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। इसी के साथ केन ने साल 2010 का मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच जीता था और वो मिस्टर मनी इन द बैंक भी बने थे। साल 2011 में केन को PWI की तरफ से वर्ल्ड के टॉप 500 प्रो रेसलर्स में 4th रैंक मिली थी और साल 2003 में 186th रैंक मिली थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सौरव गुर्जर की, तो इन्होंने अपने प्रो रेसलिंग के करियर में ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन किक बॉक्सिंग में नेशनल एंड स्टेट लेवल पर कई सारे मेडल्स जीते हैं। एक्टर के तौर पर भी सौरव गुर्जर ने काफ़ी नाम कमाया। महाभारत नाम के TV सीरियल में भीम का किरदार और संकट मोचन महाबली हनुमान नाम के TV सीरियल में वाली और रावण का किरदार निभा चुके हैं। इसी के साथ में साल 2019 की ब्रह्मास्त्र नामक फिल्म में भी इन्होंने विलन के तौर पर काम किया है। दोस्तों अगर हम बात करें सौरव गुर्जर के मूव्स की, तो इनके मूव्स में शामिल हैं चौक स्लैम, साइडवॉक स्लैम, पिग बूट एंड बॉडी स्लैम। वहीं केन के मूव्स भी हैं चौक स्लैम, टोमस्टोन पाइल ड्राइवर, साइडवॉक स्लैम एंड बिग बूट। तो दोस्तों ये था NXT के भीम सौरव गुर्जर एंड WWE के डेविल्स फेवरेट डीमन केन के बीच का पूरा कंपैरिजन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन लगा बेस्ट और कौन है महाबली। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।